नमस्कार दोस्तों। चलिए आज कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था, कौन सा, ब्रेक इवन एनालिसिस, उस ब्रेक इवन एनालिसिस को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसकी थ्योरी ऑलमोस्ट पढ़ी ली थी। ठीक है, तो आपको इससे पहले, इन क्वेश्चंस पर जाने से पहले, आपको उसके सारे फार्मूले एटलीस्ट एक बार, ठीक है, उसका समरी में लिखना है। ठीक है, उसके बाद इन क्वेश्चंस पर चलें। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा ही टफ नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि अ प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय फोर प्रोसेसेस। ठीक है, मतलब एक कोई प्रोडक्ट है वो चार प्रोसेसेस से क्या होता है, बनता है। ठीक है, एज गिवन बिलो, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स, मतलब यदि हमको 100 यूनिट बनानी है, मतलब 100 प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। चलिए तो देखते हैं कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो हमको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, केवल ये जो टेबल दिया है बस केवल इतना। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस और फोर्थ प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस का फिक्स्ड कॉस्ट कितना कितना हो गया, 20 रुपीज़। दूसरे वाले सेकंड का 40 रुपीज़, 10 रुपीज़ और 30 रुपीज़, ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई सारी प्रोसेस की। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो फर्स्ट प्रोसेस में लग रहा है, कितना लग रहा है, 3 रुपीज़, सेकेंड में 1 रुपीज़, थर्ड में 4 रुपीज़, 4 रुपीज़ और फोर्थ में कितना लग रहा है, 2 रुपीज़। ठीक है, अच्छा, तो हम ये फार्मूला हमको पता ही है, कौन सा फार्मूला, कि टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट को क्या लिख दिया मैंने, स्मॉल वी इंटू एक्स। ठीक है, अब इस एक्स में हमारे पास एक्स क्या है, यहाँ पर 100 यूनिट्स, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधा सीधा। तो 100 × 3 कितना हो गया, 300 + 20, तो इसका टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 320 रुपीज़। इसी तरह से मेरा दूसरे की बात करूँ, दूसरी प्रोसेस की बात करूँ, तो 100 × 1, 100 + 40, तो कितना आ जाएगा, 140 रुपीज़। उसी तरह से थर्ड प्रोसेस की बात करें, तो 4 × 100, 400 + 10, तो 410 रुपीज़। 2 × 100, तो ये वाला वेरिएबल कॉस्ट 2 × कितना हो गया, 100, 200 + 30, तो कितना हो गया, 230। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिनिमम आ रहा है, क्योंकि हमको कंपोनेंट तो उतना ही बनाने हैं, लेकिन जो प्रोसेस में कॉस्ट क्या है हमारा, मिनिमम। ठीक है, तो वो प्रोसेस ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो 100 के लिए कौन सी, 100 प्रोडक्ट के लिए कितनी, 140 आ रही, मतलब कौन सी प्रोसेस प्रेफर करेंगे हम, सेकंड वाली। लेकिन फॉर एग्जांपल, यदि मैंने जो प्रोडक्ट का यूनिट है, मतलब कि प्रोडक्ट कितने कर दिए, 5 कर दिए, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 5 × 3 + 20, तो कितना हो गया, 35। ठीक है, तो 15 और 20 कितना हो गया, 35। इसी तरह से 5 × 40, तो कितना हो गया, 45। ठीक है, 4 × 5, मतलब 20 और 10, कितना हो गया, 30। इसी तरह से 5 × 2 कितना हो गए, 10 और 30, तो कितना हो, सॉरी, हाँ, 10 और 30, तो कितने हो जाएंगे, 40। तो यदि मुझे 5 नंबर ऑफ कंपोनेंट बनाने हैं, तो उस केस में मेरे लिए जो प्रेफर्ड प्रोसेस है वो कौन सी हो जाएगी, थर्ड, क्योंकि वहाँ पर मेरा मिनिमम कॉस्ट आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय 3 प्रोसेसेस, तो ये क्वेश्चन IAS 2014 में आया हुआ था। तो क्या बोल रहा है कि 3 प्रोसेसेस से बना सकते हैं, एज गिवन बिलो, प्लॉट द टोटल कॉस्ट कर्व भी अपने को बनाना है इसका। ठीक है, फॉर ऑल द 3 प्रोसेसेस एंड डिटरमाइन द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, मतलब कौन सी प्रोसेस कब फिजिबल होगी, इफ़ द रिक्वायरमेंट ऑफ 800 यूनिट्स, विच प्रोसेस शुड बी प्रेफर्ड करस्पॉन्डिंग कॉस्ट। ठीक है, चलिए तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है। तो देखो, यहाँ पर अपने को वही प्रोसेस हो गया, तो यहाँ पर 3 प्रोसेस दिए, एक ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक और तीसरी वाली मैनुअल है। ठीक है, हर केस में अपने को फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, कि फिक्स्ड कॉस्ट पहली ऑटोमेटिक के लिए कितना है, 2.5 लाख रुपये, दूसरे के लिए कितना है, 1.5 लाख रुपये, और मैनुअल के लिए कितना है, 50,000 रुपये। और यदि मैं ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक से क्या बनाता हूँ, कंपोनेंट बनाता हूँ, तो उस केस में एक एक कंपोनेंट बनाने के लिए मुझे कितने पैसे लगेंगे, 10 रुपये। दूसरे सेमी ऑटोमेटिक में कितने लगेंगे, 20 रुपये। और थर्ड वाले यदि मैनुअल बनाता हूँ, तो मुझे कितने लगेंगे, 40 रुपये। ठीक है, चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बड़ा कुछ सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट।
और वेरिएबल कॉस्ट क्या लिखते हैं, स्मॉल वी इंटू एक्स, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारे पास 2.5 लाख रुपए दिए था, वेरिएबल कॉस्ट कितना था 10 रुपये एक यूनिट के लिए, ठीक है। और हमको मे बी कंपोनेंट कितने बनाने हैं, ये क्यूएन था हमको कि 8000 कंपोनेंट बनाने हैं। तो 8000 कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 8000 इंटू 10 तो 80000 हो गया, 80000 प्लस 2.5 लाख तो कितना हो जाएगा 3,30,000। इसी तरह से प्रोसेस देखो यहाँ पर ये कौन सी ए प्रोसेस मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है, प्रोसेस एस मतलब सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो उसमें मुझे फिक्स कॉस्ट कितना था 1.5 लाख रुपए दिए था, एक यूनिट को बनाने में कितने पैसे लग रहे थे 20 रुपए, ठीक है। तो 20 × 8000, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 20 × 8 मतलब 1,60,000, 1,60,000 प्लस 1.5 लाख कितना हो जाएगा 3,10,000 रुपये। इसी तरह से यदि मैं मैनुअल प्रोसेस में जाता हूँ तो मैनुअल प्रोसेस में मुझे फिक्स कॉस्ट कितना दिया है 50,000 और एक यूनिट को बनाने में कितने लगते हैं 40,000। तो 40 × 8 कितना हो गया 3,20,000, 3,20,000 प्लस 50,000 कितना हो जाएगा 3,70,000, ठीक है। तो अब समझते हैं यहाँ पे देखो, तो ये कैसे बनाए, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, है ना। अच्छा एक चीज़ समझ लो कि हर एक के लिए अपने को फिक्स कॉस्ट अलग अलग देके रखी थी। तो ये जो मैंने 0.5 मार्क किया है तो इधर मेरा कॉस्ट किस में आ गया, लैक्स में आ गया, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैंने मान लो कि मैनुअल प्रोसेस के लिए बनाया, ठीक है ना, मैनुअल के लिए बनाया। तो मेरे लिए मैनुअल के लिए जो कॉस्ट था फिक्स्ड कॉस्ट वो कितना था 50,000 था, मतलब 0.5 लाख रुपीज़। तो मैंने फिक्स्ड कॉस्ट वाला ये क्या कर दिया, ये वाला लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन मैंने ड्रा किया है ये वाला, ठीक है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, कॉस्ट है 0.5 लाख रुपीज़ किसका, मैनुअल प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, और इसी पॉइंट से आपको सीधा एक क्या करना है, लाइन ड्रा करना, ठीक है ना, ये आ गई बात समझ में। अच्छा ठीक है, ये भी मत समझो आप, तो अब तो ये समझो कि भाई अभी ये लाइन कैसे जाएगा उसको अपन बाद में देखते हैं, ठीक है ना। चलो पहले अपन क्या कर रहे हैं, तीनों के फिक्स्ड कॉस्ट लिख देते हैं। तो दूसरे वाले के लिए यदि मैं बात करूँ तो ये वाली फिक्स्ड कॉस्ट किसकी हो जाएगी, सेमी ऑटोमेटिक की। तो मैंने उसके लिए भी क्या कर दिया, ये 1.5 लाख वाले पॉइंट पर एक फिक्स्ड कॉस्ट ड्रा कर दिया, ठीक है। इसी तरह से तीसरी वाली प्रोसेस जो थी पूरी ऑटोमेटिक थी, तो उसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट 2.5 लाख रुपये था। तो ये तीनों के लिए मैंने फिक्स्ड कॉस्ट ड्रा कर दिया, ठीक है। अब ये कितने एंगल पर होगा, कैसे होगा, इसको थोड़ा समझना टिपिकल है, ठीक है ना। कुछ नहीं, आप क्या करो कि दो प्रोसेस, जैसे मैंने कौन कौन सी प्रोसेस, या फर्स्ट और सेकंड वाली प्रोसेस, फर्स्ट और सेकंड वाली प्रोसेस कौन कौन सी, मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक, इन दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। तो इक्वल कर दिया मतलब दोनों की टोटल कॉस्ट इक्वल कर दी। तो देखो इक्वल करने पे क्या होगा, तो वहाँ पर मैंने मान लिया कि कितनी क्वांटिटी पर ये एक दूसरे के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, मतलब इन दोनों का जो कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। कितनी क्वांटिटी में बनाऊं कि जिससे कि मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक दोनों का, ये दोनों की जो टोटल कॉस्ट है वो क्या हो जाए बराबर। तो देखो मैंने 50,000 मैनुअल का प्लस 40 एक यूनिट को बनाने में लगते थे इंटू एक्स वन इक्वल्स टू सेमी ऑटोमेटिक 1.5 लाख प्लस 20 इंटू एक्स। तो ये इधर की तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 20x, और इधर ये 40x माइनस 20x हो जाएगा तो 20x1, तो ये मेरा x1 आ गया। तो 20x1 इक्वल्स टू 50, ये 1.5 लाख में से 50,000 चले गए तो 1 लाख बचा, तो 1 लाख बचे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरा यूनिट 5,000 यूनिट। तो मतलब यदि 5,000 यूनिट में बनाता हूँ किससे, ऑटोमेटिक से भी और मैनुअल से भी, तो दोनों में कॉस्ट या दोनों का खर्चा कितना आएगा, बराबर ही आएगा। इसी तरह से मैं दोनों का सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक को भी कंपेयर कर सकता हूँ, मतलब दोनों का कॉस्ट कब इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, 1.5 लाख प्लस 20 × x2, ये किसका कॉस्ट आया, सेमी ऑटोमेटिक का, और ये वाला कॉस्ट इधर वाला किसका आया, से ऑटोमेटिक का, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर किया तो मुझे वहाँ पर दूसरी x2 की यूनिट मिल गई, x2 की क्वांटिटी मिल गई कितना 10,000, मतलब 10,000 में बना 10,000 यूनिट बनाता हूँ तो सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक दोनों का ही कॉस्ट, दोनों में ही कॉस्ट क्या आता है, इक्वल आता है, ठीक है।
अब मैंने इन सब के क्या कर दिए, ग्राफ बना दिए। तो अब यहाँ पर ये वाले जो लाइन ड्रा कर रहे थे वो लाइन कैसे ड्रा करेंगे वो समझते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर इधर की तरफ क्या होता है अपना यूनिट्स होता है, ठीक है। तो एक 5000 लिया, तो 5000 पर ये लाइन इस तरह से ड्रा किया, ठीक है ठीक है। अब मैं इस 0.5 वाली लाइन से इस पॉइंट को और 1.5 वाली लाइन से इसको, ठीक है। तो ये जो जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, वो मेरा क्या हो जाएगा 5000। इसी तरह से यदि मैं ऑटोमेटिक और मैनुअल की बात करूँ, ठीक है ना, मतलब ये वाले की बात करूँ 10000 वाले की, तो ये ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। तो यहाँ से मैंने 10000 पे एक लाइन, ये वाला लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। तो इसी लाइन को जब मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट से जहाँ पर एक इंटरसेक्ट हुआ है इसी पर अब ऑटोमेटिक के लिए भी मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा रीज़न होगा कि भाई 5000 से 10000 के बीच में ये वाला रीज़न होगा, ठीक है, ये वाला रीज़न, ठीक है। इस रीज़न में हम क्या बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आप क्या बोल सकते हो, देखो, तो यदि मैं 5000 से कम कंपोनेंट बनाता हूँ तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि केवल मैनुअल ही काम करेगी, मतलब मैनुअल ही अपने लिए बहुत फिजिबल है, ठीक है। लेकिन यदि मैं 5000 से 10000 बात करता हूँ तो हम क्या बोलेंगे कि सेमी ऑटोमेटिक, लेकिन 10000 से ऊपर बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हमको ऑटोमेटिक हमारे लिए प्रिफर है, ठीक है ना। पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी क्वांटिटी है, ठीक है, तो जो भी क्वांटिटी है वो क्या हो, रिक्वायरमेंट ऑफ कितनी यूनिट्स के लिए रिक्वायरमेंट है हमारी, 8000 यूनिट्स के लिए, ठीक है। तो 8000 यूनिट्स के लिए यदि हम बात करें, यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करें, मतलब यहाँ पर 8000 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। तो 8000 पर यदि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे लिए कौन सी मशीन प्रेफरेबल होगी, सेमी ऑटोमेटिक प्रेफरेबल, ठीक है। तो यदि हम 8000 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमारे लिए जो मशीन प्रेफरेबल होगी वो कौन सी होगी, सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, सब जगह नहीं, ठीक है। चलिए, तो और एक गिवन कंडीशन में नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं जो कि 2007 ESC में आया था। फॉर द प्रोडक्शन सिस्टम तो फिक्स्ड कॉस्ट दिया है अपने का 10 लाख रुपीज़, स्मॉल वी वेरिएबल कॉस्ट दिया है 60 रुपीज़ पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को बनाने में इतना कॉस्ट आता है, और स्मॉल एस दे के रखा है 100 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट इतने में सेल होता है 100 रुपीज़ में, ठीक है। तो अब आगे ये बोल रहा है कि अब क्या हो गया, इन्फ्लेशन आ गया। तो इन्फ्लेशन आने से फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, तो बोले 5% बढ़ गया। तो फिक्स्ड कॉस्ट देखो यहाँ पर कितना था, 10 लाख रुपीज़, तो 10 का 0.5, मतलब 0.5 आ गया, 10 का 5% कितना होता है, 0.5, ठीक है। तो नई फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी, नई फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी 10.5 लाख रुपीज़, ठीक है। इसी तरह से यदि हम वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ रहा है, कितना हो रहा है, 10% का चेंज आ रहा है। तो 60 का 10% कितना हो जाएगा, 6। तो नई वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, नई वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, 66। तो अल्टीमेटली हमको यहाँ पर क्या करना है, इन ऑर्डर टू की BP सेफ, मतलब BP को लगभग हमको उतना ही रखना है, ठीक है, डिटरमाइन द परसेंटेज इंक्रीज द रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मतलब कि सेलिंग प्राइस का परसेंटेज, डिटरमाइन द परसेंटेज इंक्रीज द रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मतलब हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना परसेंटेज बढ़ाएं कि ताकि हमारा BP सेफ जोन में रहे, मतलब हम लॉस में नहीं जाएं हमारी कंपनी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी हमने जो ऊपर समझा वही था, तो F इक्वल्स टू 10 लाख रुपीज़, V इक्वल्स टू ये हो गया, स्मॉल s इक्वल्स टू ये हो गया। तो नया F डैश, मतलब नया जो आ रहा है, मतलब उसमें कितना 0.5% का इंक्रीमेंट हो गया, किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, तो कितना आ गया, 10.5 लाख रुपीज़, ठीक है। क्योंकि 10 का ऑब्वियस है 0.5 कितना होता है, 0.5 ही आएगा, ठीक है। और 60 का 10% कितना होता है, 6, तो 60 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 66। तो अपने को निकालना क्या है, एस डैश। चलिए, तो बस दोनों के एक्स ऑफ बी पी, एक्स ऑफ बी पी का फार्मूला हमने देखा था, एफ अपॉन एस माइनस
वी। तो इधर का एक्स ऑफ पी पी इक्वल्स टू इधर का एक्स ऑफ बी पी, दोनों को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, तो एफ अपॉन एस माइनस वी इक्वल्स टू एफ डैश अपॉन एस डैश माइनस वी डैश। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा अपना एस डैश, तो एस डैश का हमका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालना मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, तो फाइनल वाला एस डैश कितना आया 108, तो 108 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, तो 100 से 100 तो कैंसिल ही हो गया, तो 108 माइनस 100 तो 8 आ गया, तो 8 मतलब 8 परसेंटेज में आया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छा, और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।